बिरला विद्या मंदिर के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और यहाँ पर मौजूद उनके सभी अभिभावकों को मेरा श्रद्धेय सलाम। आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर होकर 61 साल बाद लौटा हूँ इस खेल के मैदान में। 1957 में यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा पास की और उसके बाद अब मैं लौटा हूँ न केवल बिरला विद्या मंदिर में लेकिन नैनीताल में भी पहली बार। ये जो खेल का मैदान है इसमें आज के विद्यार्थियों की तरीके से मैंने भी खूब हॉकी खेली है। 400 मीटर और 800 मीटर की कई दौड़ों में हिस्सा लिया, जीता भी हूँ हारा भी हूँ और उसके बाद मैराथन रेस में भी दूर तक भागा हूँ। ये खेल का मैदान वो है जिसने हम सबको देश का बेहतर नागरिक बनाया है। मैं आज आपके सामने जिस बात को रखूंगा वो हमारे देश के बारे में है, भारत एक विचार, द आइडिया ऑफ इंडिया। ये बहुत मौजू विषय बन गया है आज के हिंदुस्तान में, क्योंकि लगातार देश में एक बहस चल रही है कि भारत के मायने क्या है। ये नई बहस है लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। इसे थोड़ा सा इतिहास में समय लगाऊंगा और थोड़ा सा समय आज के हालात पे लगाऊंगा ये समझने के लिए कि हमारे देश का, भारत का मतलब क्या है, हम किस देश के नागरिक हैं और उसमें हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और देश को हमसे क्या उम्मीदें हैं। एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं पहुंची। हम भूल जाते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग हमारे देश की जरूरतों के आधार पर नहीं की जाती है। वर्ल्ड रैंकिंग दुनिया के बाजार की जरूरतों के आधार पर की जाती है, उसके पैरामीटर दुनिया के बाजार और दुनिया की पूंजी करती है तय। देश के हालात तय नहीं करते हैं कि हमारे असम में, नागालैंड में, मेघालय में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में किस तरीके के विश्वविद्यालय होने चाहिए, कैसे कॉलेज होने चाहिए, कैसे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये पैरामीटर वर्ल्ड रैंकिंग की मार्केटिंग एजेंसियों के लिए, वो तो मार्केट की एजेंसियां हैं। हम मार्केट एजेंसियों को भारत के संविधान से ऊपर बैठा देते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। मार्केट एजेंसी संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, ये आज़ादी की लड़ाई का समृद्ध इतिहास, साम्राज्यवाद विरोधी, जाति व्यवस्था विरोधी इतिहास, जो अभूतपूर्व इतिहास है, दुनिया की सभी आज़ादी की लड़ाइयों में सबसे बेजोड़ इतिहास है, इतना प्रेरणादायक इतिहास है, इतना लिखा गया उस समय, इतना ज्ञान पैदा किया गया उस समय, उस इतिहास से जो भारत बना है, ये नया भारत बना है जिसकी बुनियाद हमारा संविधान है, इसके हर पहलू को, इसके हर आयाम को, इसके हर मूल्य को हम संजो कर रखें, इसकी सुरक्षा करके रखें, तब नया भारत बनेगा और नया भारत सबके लिए न्याय देगा, सब नागरिकों के प्रति न्याय देगा, चाहे वो दलित आदिवासी हो और चाहे वो उच्च वर्ग उच्च जाति का हो, चाहे वो अंबानी अडानी हो या एक मजदूर का बच्चा हो, बच्ची हो, वो सब एक प्रकार की समतामूलक शिक्षा व्यवस्था पा पाएंगे। ये चुनौती है भारत के संविधान की। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो आज़ादी की लड़ाई के सपने और संविधान के मूल्य हमारे नए भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। ये कहकर आप सबको शहीद भगत सिंह के नारे के साथ इनकलाब जिंदाबाद। This and all the guests present here, this is the third time I'm speaking to the collective audience, students and guests, and I was told to give a few prizes once more. But there were so many prizes, so many excellent students, superb achievements in sports, academics, in extracurricular activities, will be very, very inspiring. मुझे ये भी कहा गया कि आप ने क्या पाया स्कूल में वो भी पेश कर दीजिए। तो मैं तो पहले भी पेश कर चुका हूँ, कल भी किया था, आज एक बार फिर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कई ऐसे शिक्षक पाए जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया, वो जिंदगी भर मेरे साथ रहा है, आज भी है। और जब मैं
कैलकट में पीएचडी करने गया, तो उस समय यहाँ पर जिन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई थी वीजी पित्रे, उन्होंने मुझे फिजिक्स में सोचना सिखाया था. ही टॉट मी हाउ टू थिंक, ही टॉट नो हाउ टू आर्ग्यू, हाउ टू क्वेश्चन. तो वो बहुत बहुत काम आया एक एडवांस साइंटिफिक रिसर्च करने में. मैंने कल भी बताया था, आज बच्चों के अभिभावक भी हैं उनको भी बता रहा हूँ कि नारायण पांडे जी ने मुझे जो हिंदी में लिखना पढ़ना और डिबेट करना सिखाया वो भी आज साथ में है, क्योंकि उन्होंने मुझे हिंदी रटवाई थी. हिंदी में उन्होंने भी बीजेपी दीदी के तरीके से एक वैज्ञानिक ढंग से समझना और सोचना सिखाया. और मैं इस समय याद करना चाहूँगा के एल वर्मा जी को भी, यही नाम के एल वर्मा जी, जो मुझे पता चला 2 साल पहले 98 साल की उम्र में गुजर गए. के एल वर्मा जी के सामने 2 चुनौतियाँ थी मुझे लेकर, या तो मुझे वो आर्ट सिखा दें, पेंटिंग करना सिखा दें, चित्रकला, या उसको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग सिखा दें. तो पेंटिंग में तो मैं बिल्कुल जीरो निकला. उन्होंने मुझे कहा कि जो ऑप्शन है यूपी बोर्ड का ज्योमेट्रिकल ड्राइंग वो सीखा. शायद उनको भी अंदाज नहीं था ये कह के उन्होंने मुझे कितनी बड़ी नई दिशा दे दी. जब मैंने ज्योमेट्रिकल ड्राइंग उनसे सीखी तो मैंने बहुत संजीदगी से सीखी, और उसमें जो प्रिसीजन उन्होंने मुझे सिखाया, ज्योमेट्री के बारे में वह ढंग से सोचना सिखाया, वो भी जब मैंने कैलकट में पीएचडी कर ली तो मुझे हर कदम पे उत्साह देता था. आज भी मेरे बहुत सारे साथ में काम करने वाले जिस शिक्षा के आंदोलन में मैं काम करता हूँ वो कहते हैं कि इतनी प्रिसीजन तुम्हारे में हर काम में, चाहे आंदोलन की प्लानिंग करनी हो, चाहे नारों की प्लानिंग करनी हो, चाहे बैनर्स की प्लानिंग करनी हो, चाहे कैसे किसी रैली को आयोजन करना है, उसको मैनेजमेंट करना है, उसकी प्लानिंग करनी हो, ये प्रिसीजन कहाँ से आई. तो मैं के एल वर्मा जी को याद करता हूँ जिन्होंने ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में प्रिसीजन मिस कर दिया. विधि पुत्री के साथ मेरा साथ ऐसे ही खत्म नहीं हो गया. वो मेरे साथ मेरे सारा जो काम आपने 2-3 बार सुन लिया है, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, जिसमें उस जिले के 300 सरकारी स्कूलों में हमने विज्ञान को एक बिल्कुल क्रांतिकारी ढंग से सिखाया. हर बच्चे ने अपने हाथों से 300 प्रयोग करके 3 साल का 6वीं 7वीं 8वीं का विज्ञान का सिलेबस पूरा किया प्रयोगों के जरिए, बिना किसी भी लेक्चर के, बिना किसी टेक्स्ट बुक के बगैर, लेक्चरों के बगैर, और इम्तहान का परीक्षा का पूरा ढंग बदल दिया जो वैज्ञानिक सोच पर आधारित था. ये इस काम की के बारे में मैं क्यों बीजेपी दीदी की बात कर रहा हूँ, जब पुत्रे जी ने ये स्कूल से वो गए और वो यूथ स्कूल गए तो वहाँ उन्होंने 2-3 और स्कूलों के साथ मिलकर विज्ञान शिक्षण का एक अभूतपूर्व काम शुरू किया. वो फिजिक्स को कैसे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पढ़ाया जाए और उसको एनसीईआरटी ने भी मान्यता दी, और तब अचानक उसको टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूट है, टाटा की नहीं है, उस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अचानक वो मिल गए जब प्रोफेसर यशपाल ने उनको इन्वाइट किया ये कहने के लिए हमारी मदद करो कैसे विज्ञान पढ़ाना. तो वो जब मुझे अचानक मिले उससे यशपाल के साथ, उन्होंने मुझे परिचय करवाया ये मिस्टर डीजी पिपरे हैं, तो मुझे एकदम ख्याल है जो मेरे शिक्षक, मैंने उनके टाटा इंस्टीट्यूट में उनके पहुँच गए और उनके साथ एक नए सिरे से काम शुरू किया जो 300 स्कूलों की पूरी नीति बदल दी. विज्ञान शिक्षण का एक ऐतिहासिक काम इस देश में किया गया, उसमें काम चाहे हम लोगों ने आगे बढ़ के किया हो उसके पीछे बीजेपी मित्र जी का बहुत मौलिक अभूतपूर्व योगदान है. विद्या विद्या मंदिर के शिक्षण अध्यापन इतनी दूर तक मेरी जिंदगी में भूमिका अदा करता रहा है, इसको मैंने आप सबके सामने एक औपचारिक रूप से दर्ज किया है, फॉर्मली रिकॉर्ड किया है, फॉर्मली डॉक्यूमेंट किया है. ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है. आप सबको, सब बच्चों को, जिनको चाहे प्राइज मिले हो चाहे न मिले हो, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे तो नंबर 10th बोर्ड में भी बड़े कम आए और 12th बोर्ड में भी कम आए, और सबसे कम मेरे नंबर साइंस में आए, और उसी साइंस में मैंने आगे बढ़ के बढ़िया काम किया. मैंने जैसे आपको आज वहाँ पे भी कहा था फील्ड में भी प्रोग्राम में कि वर्ल्ड रैंकिंग के पैरामीटर क्या होते हैं उससे तय होता है कि आपको कहाँ हम डालेंगे. तो जिन पैरामीटर पे मुझको नापा गया था वो सब पैरामीटर गलत निकले.
सारे गलत निकले और जिस साइंस में मुझे सेकंड डिवीजन दी थी उस साइंस में मैं बहुत आगे बढ़ गया। इसलिए जिनको प्राइज नहीं मिला है जिन बच्चों को उनको मैं संबोधित करने गया हूँ, बच्चों बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता ही मत करो कि प्राइज मिला या नहीं मिला। आपको प्राइज तब मिलेगा जब आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, स्कूल से बाहर चले जाएंगे, अपनी जिंदगी में जूझेंगे, उस जिंदगी में कुछ कर पाएंगे अपने लिए, परिवार के लिए और उससे भी बड़ी बात समाज और देश के लिए। तो करेंगे तो देश और जनता अपने आप आपको प्राइज देगी। मेरा अपना जिंदगी का अनुभव सवाल अभिमान है और बहुत प्यार दिया इस स्कूल में आकर। 61 साल के बाद मैं बहुत हिचक रहा था, पर प्रिंसिपल सर और आशा मैडम इन दोनों ने इतने प्यार से इतने आदर से कहा कि हम मना नहीं कर पाए, यहाँ आ गए। अब यहाँ आकर मुझे लगता है बहुत अच्छा किया उन्होंने, आग्रह किया, नहीं करते तो मैं नहीं आता, मैं बचा हुआ था यहाँ से। बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है और आप सबको बधाइयाँ। इतना सुंदर इतना बढ़िया स्कूल जिसको मैंने अनुभव किया 61 साल पहले, उसको आपने जिंदा रखा है और भी अच्छा बनाया।